नमस्कार, मैं ऋषभ और आप सभी का स्वागत करता हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस सोसाइटी के गठन को आज के दिन दी गई थी मंजूरी। जॉन हेनरी ड्यूनेंट के सुझाव पर फरवरी 1863 में जेनेवा पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी में स्विट्जरलैंड के 5 नागरिक शामिल थे और इसका कार्य हेनरी ड्यूनेंट के सुझावों पर गौर करना था। कमेटी की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 29 अक्टूबर 1863 को अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस सोसाइटी के गठन का निर्णय लिया गया। इसी सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का भी चयन किया गया था। रेडक्रॉस का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और उनका इलाज करना है। यह संस्था विभिन्न देशों की सरकारों के बीच समन्वय का कार्य भी करती है और प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों की सहायता करती है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की आज के दिन हुई थी स्थापना। लैंड होल्डर्स सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के उपरांत 29 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष राधाकांत देव और सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर चुने गए थे। इसकी स्थापना जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए की गई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने 1860 में आयकर लागू करने का विरोध किया था और नील विद्रोह से संबंधित आयोग के गठन की मांग की थी। इसके अलावा 1860 में अकाल पीड़ितों की मदद के लिए धन एकत्रित किया था। बंगाल में इसे भारत वर्षीय सभा के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी संपादक जोसेफ पुलित्जर का आज के दिन हुआ था निधन। अमेरिकी संपादक और प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर का निधन 29 अक्टूबर 1911 को हुआ था। हंगरी में जन्मे पुलित्जर ने समाचार पत्रों के पैटर्न को आधुनिक बनाने में काफी मदद की। 1868 में जर्मन भाषा के दैनिक अखबार वेस्टलिच पोस्ट में उन्होंने रिपोर्टर के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत की थी। 1878 में सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच और इसके 5 साल बाद न्यूयॉर्क वर्ल्ड की स्थापना की। पुलित्जर ने 1912 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान कर दिया था। इससे इस यूनिवर्सिटी ने 1917 में पत्रकारिता के लिए पुलित्जर प्राइज की शुरुआत की। आज के दिन बम धमाकों से दहल गई थी दिल्ली। 29 अक्टूबर 2005 को दिवाली से 2 दिन पहले यानी धनतेरस के दिन हुए सीरियल बम ब्लास्ट से सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी के लोग दहल गए थे। इस ब्लास्ट में किसी ने अपने भाई को खोया तो किसी का पूरा घर ही बर्बाद हो गया था। इन सीरियल बम धमाकों में 60 लोगों की करीब मौत हुई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ माना गया था। कोर्ट ने तारिक अहमद डार, मोहम्मद हुसैन फाजिली और मोहम्मद रफीक शाह पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आपराधिक साजिश रचने, हत्या, हत्या के प्रयास और हथियार जुटाने के आरोप तय किए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 29 अक्टूबर दिन शुक्रवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है सुख ऐश्वर्या। मेष, आपके सुख ऐश्वर्या के लिए भाग्य 34%, कारोबार में वृद्धि होगी। यात्रा के योग हैं, आपको शत्रुओं के आतंक से छुटकारा मिलेगा। कार्यभार अधिक रहेगा, मन शांत रहेगा। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग सफेद नीला तथा निषेध रंग लाल सिंदूरी। वृष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 79%, मनवांछित स्थान पर ट्रांसफर के योग हैं। बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण करें, आपको पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। कार्य क्षेत्र में अपने पराक्रम से समस्याओं को नियंत्रण कर लेने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग गुलाबी बसंती। मिथुन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 71%, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतुलित भोजन करें, आपकी पदोन्नति होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला काला। कर्क, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 77%, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आमदनी बढ़ने के साथ साथ रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। छात्रों को सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आपके खर्चे बढ़े हुए रहेंगे, अधिक व्यय के कारण मन खिन रहने के योग हैं। शुभ रंग हर प्रकार के सफेद तथा निषेध रंग काला स्लेटी। सिंह, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 48%,
उपलब्धि एवं अवसरों की प्राप्ति के योग हैं। कार्यों में अनावश्यक अवरोध हो सकता है, परंतु यह सब अस्थायी है। विदेश के लिए इन दिनों में उत्तम योग है। किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न होने के योग है। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग लाल। कन्या, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 78%। कार्य क्षमता के अनुरूप ही सफलता प्राप्त होगी। माता पिता की ओर से चिंता हो सकती है। करियर या कारोबार या फिर नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते हुए कार्य क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखनी होगी। भाग्य में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला लाल। तुला, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 88%। समय शुभ है, लाभ प्राप्त होगा। नए लोगों के साथ व्यवसाय के अवसर बनेंगे। परिवार में आंतरिक कलह खत्म हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग पीला लाल। वृश्चिक, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 45%। स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से कुछ परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। भाग्य आपके साथ है। समय अनुकूल चल रहा है, निवेश शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 49%। व्यवसायियों को अच्छे एवं बड़े ग्राहक मिल सकते हैं। पूर्व में जो उधार दिया गया था उसकी प्राप्ति संभव है। योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य की ओर बढ़े। बचत पर ज्यादा ध्यान रहने वाला है। जीवन साथी से तनाव उत्पन्न होने के योग है। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग मस्टर्ड काला। मकर, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 80%। परिजनों के साथ मतभेद हो सकता है, भाग्य आपके साथ है, उसका लाभ उठाएं। आप कुशलता व होशियारी से असंभव कार्य को पूरा करेंगे। उद्यमशीलता एवं पहल करने की क्षमता बढ़ेगी। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल पीला। कुंभ, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 81%। कार्य की अधिकता रहेगी, परंतु गर्व का भी अनुभव होगा। समय अनुकूल है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संबंधों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद से संबंधित मामले भी सुलझने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल पीला। मीन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 46%। कारोबार में अनुकूलता बनी हुई है। आकस्मिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। आपके कुछ काम दोस्तों और भाइयों की मदद से पूरे हो जाएंगे। आप स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़े पदोन्नति के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग पीला। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 10:36 से दोपहर 12:21 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।